अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला था, अब याद करो, जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा था तो वहां पे दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे दो साइंटिस्ट बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काम किया था, जिन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काम किया था, दो साइंटिस्ट कौन थे? पहला साइंटिस्ट कौन था? कुलोम। अरे भाई पहला कुलोम लिखो ना, पहला कुलोम था, दूसरा गॉस था। तो कुलोम ने, कुलोम के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो अपन इंटीग्रेशन वगैरह से निकालते थे, राइट? अलग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर डीक्यू 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 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर सॉल्व करो, राइट? हाँ, तो कुलोम के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो वेक्टर एडिशन, फिर इंटीग्रेशन, वो सब कुछ यूज करके करते थे। फिर अपने गॉस भाई साहब आए, और गॉस भाई साहब ने क्या किया, तो गॉस ने क्या किया, सिमेट्रिक सर्फेसिस के लिए, सिमेट्रिक चीजों के लिए गॉस लॉ बनाया, और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे अच्छे लेवल के इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करवाया। बराबर गाइस? ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में भी दो साइंटिस्ट है, ठीक है? तो जो कुलोम टाइप का साइंटिस्ट था वो यहां पे बायर्डसॉट, देखा ना अपने इंटीग्रेशन से, अपने सब फॉर्मूला डिराइव किया, राइट? सब इंटीग्रेशन से, तो बायर्डसॉट ने किया। और दूसरा जो साइंटिस्ट है उसका नाम है, बहुत फेमस नाम है भाई, एम्पियर। बिल्कुल, दूसरा है एम्पियर। तो उसने अपना एक लॉ बनाया, एम्पियर्स लॉ। अब ध्यान में रखना है, सब साइंटिस्ट अभी बोलते कि सर एम्पियर्स तो अपना, उसने तो करंट निकाला एक्चुअल में, लेकिन मैग्नेटिज्म में भी उसने लॉ निकाला। और एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ की तरह, जो सिमेट्रिक कंडीशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, ठीक है? तो एम्पियर्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एम्पियर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे अपने को मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक सरफेस में निकालने के लिए बहुत ही काम में आता है, ठीक है? अब गाइज दो चीजें, एम्पियर्स लॉ को एकदम अंदर से मत समझो, ठीक है? अंदर से समझो, मतलब अंदर समझने गए ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो पहले बताऊंगा, ठीक है? अब मैं पहले एम्पियर्स लॉ लिखता हूं, तो उसमें क्या, उसमें जो टर्म्स वगैरह दिखेंगे ना उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है ये क्या है, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। जब एक दो सम्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा मुझे क्या कहना है, ठीक है गाइस? हाँ, अब सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। अब यहां पे ऐसा पकड़ लो, एक लाइन है, मैं एक्चुअली एम्पियर्स लॉ के पहले एक छोटा सा मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? जैसे एक लाइन है यहां पे, देखो एक लाइन है यहां पे एक कर्व है, और ये लाइन है जिस लाइन का लेंथ है एल, एक लाइन का लेंथ है एल, सब लोग यहां पे ध्यान से सुनो। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी लाइन में, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन पे ऐसे पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मुझे तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड एकदम कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू कितनी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है लेट्स से बी, एकदम मैग्नेटिक फील्ड एकदम कांस्टेंट है, ठीक है? यहां पे मैं दूसरी लाइन निकाल देता हूं ऐसे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है ऐसे, लेकिन वो भी कांस्टेंट है, ठीक है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, उसका मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है, कांस्टेंट है, ठीक है? लेकिन ऐसा है। अब सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। अब मैं जो बोल रहा हूं, अब मैंने बोला एक ये जो लेंथ है ना, लेंथ जो लेंथ है उस डायरेक्शन में मैंने एक छोटा सा वेक्टर लिया, लेंथ वेक्टर डीएल वेक्टर, ठीक है? यहां पे भी एक डीएल वेक्टर लिया। अब यहां पे मुझे बताओ, यहां पे पहले केस में बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर यहां पे कितना होगा, क्या बोलेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को? इसको बी वेक्टर एंड डॉट डीएल वेक्टर को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली बी डीएल लिखेंगे, सिंपली बी डीएल। अरे जीरो मत बोलो यार, पहले केस में क्या आएगा बी और डीएल, तो सिंपली क्या आएगा मॉड बी, ठीक है? मॉड डीएल कॉस जीरो, तो आंसर क्या आएगा सीधा सीधा बी डीएल आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ पहले केस में, ठीक है? हाँ, सेकंड केस में मुझे बताओ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना आएगा सेकंड केस में? कॉस 90 बी डीएल, बी डीएल कॉस ऑफ 90, तो आंसर कितना आएगा यहां पे, आंसर कितना आएगा जीरो आएगा। अब मुझे बात बताओ, लेकिन मैंने बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इतने छोटे से लेंथ के लिए किया, मुझे सपोज
पूरे लेंथ के लिए करना होता, मुझे पूरे लेंथ के लिए करना होता तो मुझे क्या करना, क्या करना पड़ता बताओ? मुझे पूरे लेंथ के लिए सपोज ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करना होता तो मुझे मैं क्या करूंगा? अपना फेवरेट सिंपल क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। अब गाइस ऐसे इंटीग्रेशन को मैं बोलूंगा, अब यहां पे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो मतलब पूरे लेंथ के लिए मुझे करना है तो यहां पर इंटीग्रेशन कर दूंगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन। जिस केस में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? बी डीएल। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे? b तो कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा? b इंटू एल हो जाएगा गाइस। b इंटू एल होगा कि नहीं होगा? अरे b इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं गाइस लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। अभी नाम वगैरह क्यों आया? एकदम सिंपल, लाइन में अपन जा रहे तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। मुझे होता है यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल क्या आएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल क्या आएगा? यहां पर जीरो आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये मैंने आपको बता दिया। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी सबसे बता रहा हूं। जिंदगी में पहले मैंने ऐसा कभी किसी को बताया नहीं है। पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ा था मैं सीधा पढ़ा था, सीधा ये इंटीग्रेशन है, लाइन है, एक एग्जांपल बताओ, काम खत्म कर लो, ठीक है। आपके लिए सब कुछ बता रहा हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। अब मुझे यहां पर बताओ, ठीक है, अब मुझे यहां पर बताओ, ये सपोज कोई, चलो ठीक है, मैंने हाफ सेमी सर्क्यूलर रिंग दिया है, सेमी सर्क्यूलर रिंग। अब मुझे होता है इसका लाइन इंटीग्रल मुझे करवाना है, एकदम इजी जाना है, तो लाइन इंटीग्रल यहां पे सपोज मुझे इजी करना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजी जाना है तो मेरा मुझे होता है मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होना चाहिए। सपोज मुझे बताओ मेरा इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इस केस में मुझे इजी करना है, इजी करना है तो मुझे होता है मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने वो लेंथ रखा हुआ है उसी लेंथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब मुझे बताओ सर्कुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई सर्कुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होगा या कुछ अलग ही होगा तो कुछ नहीं होगा, राइट? कुछ नहीं होगा, राइट? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सर्क्यूलर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, देखो बी वेक्टर देखो सर्क्यूलर होगा तो इस तरीके का लेंथ, इस तरीके का लाइन इंटीग्रल मेरा क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि BDL 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 हमेशा क्या हो जाएंगे? पैरेलल पैरेलल होते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये पैरेलल पैरेलल होते जाएंगे और डायरेक्टली इसका आंसर, फिर इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे बताओ? इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर? सीधा बी इंटू टोटल लेंथ एल विच इज इक्वल टू बी इंटू क्या? पाई आर। समझ में आया क्या? अरे भाई समझ में आया क्या मुझे बताओ? कैसे लाइन इंटीग्रल को अपन ने दिखा वो समझ में आया? समझ में आया? चलो अब इसको लेके गाइस 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 ठीक है, अब मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड कर्व कैसे आता है? अरे कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के वजह से भाई अक्षय मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? कोई भी करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसे होता है? सर्कुलर ही होता है ना भाई, भूल गया क्या? चलो तो अब मुझे यहां पर बताओ, पहले यहां पर देखो, यहां पर देखो सब लोग, यहां पर देखो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड कुछ आड़ा टेढ़ा है, मतलब मैं ऐसे ही करता रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसी है तो मुझे होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इंटीग्रल इजी करने के लिए मुझे भी कैसे जाना पड़ेगा? इंटीग्रल इजी करने के लिए मुझे भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसी टाइप से जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ध्यान में रखना जाना वैसे ही पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है पता है गाइस? कभी कभी क्या होता है, सपोज लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे किसके वजह से बनती है? वो दो तीन चीजों का इफेक्ट से बन सकती है, पता नहीं कहां से बनेगी लेकिन बन गई। तो मुझे बताओ, मुझे भी सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो मुझे भी सपोज यहां पे ऐसे जाने के लिए मुझे भी ट्रेवल कैसे करना पड़ेगा? ट्रेवल कैसे करना पड़ेगा? इधर ही जाना पड़ेगा गाइस गाइस। अब जब मैं, अब यहां पर लूप बन गई कि नहीं बन गई भाई? मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड की क्या बन गई? लूप बन गई। अब मैं क्या करूंगा? देखो दोनों वे में चलता है। अब मैं सपोज यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैंने डीएल वेक्टर लिया और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिया ऐसे, और मैं ऐसे करके लूप में इंटीग्रेशन करूं तो ये लूप में इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जब लूप वाला, मतलब क्लोज लूप में इंटीग्रेशन जब होता है तो उसको यहां पर सर्कल डाला जाता है, ठीक है। सर्कल मतलब क्या? लाइन इंटीग्रल नहीं है, पूरा का पूरा एक सर, मतलब पूरा का पूरा एक लूप कंप्लीट किया है, तो इस तरीके का बेसिकली आपको एक सिंबल दिखने वाला है, ठीक है, इस केस में।
फिर इस केस में सपोज मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मुझे होता मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब किसी ने बोला सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपने ड्रॉ किया वैसा नहीं है, ठीक है, हाँ लेकिन लूप है, देखो ये लूप ऐसी है, ये लूप है, मतलब ये मैं लूप ऐसे ट्रैवल कर रहा हूं, दिस इज माय लूप बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग ही है, जैसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है B1, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ B2 अलग है डायरेक्शन में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B3 कुछ अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पॉइंट पे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये डीएल वेक्टर लेना पड़ेगा, फिर ये एंगल θ1, फिर यहां के कुछ डीएल वेक्टर लेना पड़ेगा, एंगल θ2, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये सिंबल तो इसी के लिए, मतलब इस लाइन ऐसा लूप में इंटीग्रल करो। अब वो इंटीग्रल मुश्किल है, मतलब आप नहीं निकाल सकते। इजी कब है ये इंटीग्रल इजी कब जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और लूप दोनों क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा सा रिलेट करो गॉस लॉ के साथ, गॉस लॉ इजी कब जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इजी कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स कैलकुलेशन होता है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, फ्लक्स कैलकुलेशन इजी हो, जो फ्लक्स का कैलकुलेशन होता है वो सपोज इजी हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स फास्ट जाता है, डायरेक्टली ई इंटू ए लिखते हैं अपन, डायरेक्टली ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सिमिलरली यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपन लूप घुमाएंगे तो एकदम इजी जाएगा लाइन इंटीग्रल, डायरेक्टली बी एल लिख देंगे। सबको मुझे बताओ इतना पार्ट समझ में आया क्या, ये पार्ट समझ में आना, आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब ये सब सब एम्पियर लॉ में ही, अब मैं एक्चुअल एम्पियर लॉ दिखाता हूं, ठीक है, अब मैं एक्चुअल एम्पियर लॉ दिखाता हूं, व्हाट इज एक्चुअल एम्पियर्स लॉ, ठीक है। और एम्पियर्स लॉ ये मैक्सवेल के इक्वेशन का पार्ट है। अब एम्पियर्स लॉ क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पे सब लोग ध्यान से सुनो, एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ देखो, यहां पे सब लोग ध्यान से सुनो, ऐसा पकड़ लेते हैं, यहां पे एक वायर है, इसका करंट है I1, यहां पे वायर है I2, यहां पे एक वायर है I3, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैंने I1 I2 I3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, I1 कहां पे आ रहा है, I1 करंट कहां पे आ रहा है, डॉट लिखा है मतलब कहां पे आ रहा है, पेज के बाहर आ रहा है, तो करंट I1 बाहर आ रहा है, करंट I2 कहां पे जा रहा है, करंट I2 कहां पे जा रहा है, पेज के अंदर, करंट I3 कहां पे जा रहा है, पेज के अंदर, ठीक है। तो मुझे बता कौन से करंट के वजह से, मतलब जो करंट I1 है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब इस डायग्राम में करंट I1 पेज के बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो किससे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किसके वजह से बनेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किसके वजह से बनेगा, यहां पे I2 और I3 के वजह, I2 और I3 के वजह से क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट P1 है या पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितने वायर के वजह से होगा, अरे पॉइंट P1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या, I1 के वजह से अलग, I2 के वजह से अलग, I3 के वजह से अलग, राइट। और जितने भी वायर होंगे, जैसे I4 I5 जितने भी वायर होंगे उसके सबके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वेक्टर निकालेंगे B1 B2 B3 फिर वेक्टोरिकली उसको ऐड करेंगे, राइट, और फिर क्या मिलेगा मुझे, नेट मैग्नेटिक, मुझे क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ पहले बताता हूं मैं क्या है, एम्पियर्स लॉ क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे बताओ यहां पे इस पूरे रीजन में हर एक पॉइंट P1 P2 P3 पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में कहीं ना कहीं तो रहेगा, किसी को पता है कहां पे रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं पता, ठीक है, अपने को वो निकालना पड़ेगा बेसिकली, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड से निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक लूप बनाया, सब लोग यहां पे देखो एकदम एक ऐसे 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 करके एक लूप बनाया, ठीक है, एक लूप बना दिया और लूप रखा इस डायरेक्शन में, दिस माय लूप, ये लूप है, मतलब जो लेंथ के अगे में ट्रेवल करने वाला हूं, ठीक है। अब एक लूप बनाया, इस लूप में मैंने एक और करंट डाला जो लेट्स से ऐसा है I4 और यहां पे करंट है I5, मुझे तो ये लूप में है क्या, लूप में इंक्लूड है क्या वो करंट I4 I5, नहीं है। अब सुनो, लूप में जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है, जो लूप में मैंने डायरेक्शन दिखाई है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जो मैंने लूप का जो डायरेक्शन दिखाया है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अब नॉट नेसेसरी यहां पे भाई, नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P1 ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टू पी वन ऐसा भी हो सकता है, वी डोंट नो, या लूप के साथ में भी हो सकता है, अपने को कुछ भी पता नहीं है। मैं इन जनरल पहले जैसे गॉस लॉ डिफाइन किया था वैसे एम्पियर्स लॉ डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ के हिसाब से एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर लॉ बोलता है इंटीग्रल ओवर दिस लूप, सॉरी, ठीक है, लूप इंटीग्रल, लूप इंटीग्रल मतलब क्या, लूप इंटीग्रल ओवर दिस लूप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, ओवर दिस लूप मतलब यहां पे एक सिंबल डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्चुअल वाला, वो डायरेक्शन ऑफ लूप भी तुम डिसाइड कर सकते हो। अभी के लिए मैंने क्लॉकवाइज लिखा, आपको चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्लॉकवाइज लिखा, ठीक है। अब मैंने जो मैं लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं किस डायरेक्शन में कर रहा हूं बताओ मुझे, ये जो लाइन इंटीग्रल में कर रहा हूं डीएल वेक्टर जो लेने वाला हूं वो किस डायरेक्शन में कर रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आपको चाहिए तो आप क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया, ठीक है, तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, ऐसे ऐसे वाला टूवर्ड इस तरफ की, तो डीएल वेक्टर मेरा इस तरफ होगा, ऐसे डीएल वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइप होगा कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर में जब करूंगा तो यहां पे सब लोग ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। अब तुम लोग बोलेंगे सर आई इनक्लोज्ड तो चार्ज इनक्लोज की तरह आ गया यहां पे, नाउ व्हाट इज आई इनक्लोज्ड, मुझे बताओ इस लूप के अंदर कौन से करंट आपको दिख रहे हैं, इस लूप के अंदर आई फोर आई फाइव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई वन आई टू आई थ्री दिख रहा है, लेकिन एक पंगा है, क्या आप लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे, लेकिन इसमें I1 एंड I2 I3 का डायरेक्शन अलग है, भाई I2 I3 का डायरेक्शन सेम है, I1 का डायरेक्शन अलग है, तो कहीं ना कहीं प्लस एंड कहीं ना कहीं माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा, ये करंट में कहीं ना कहीं प्लस एंड कहीं ना कहीं माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इस लूप के लिए जैसे मैंने यहां पर मैं कैसे घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, मुझे बताओ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बनता है, कौन से करंट के वजह से क्लॉकवाइज बनता है, कौन से करंट के वजह से क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बनता है, जो करंट इनसाइड जा रहा है, कौन सा, यहां पे इनसाइड क्या जा रहा है, I2 I3, तो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनता है, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दिए, तो मुझे बताओ यहां पर इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर डायरेक्टली यहां पर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट इन टू I2 एंड I3 के वजह से क्लॉकवाइज बनता है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, I2 प्लस I3 माइनस I1, दिस इज माय I इनक्लोज, और ध्यान में रखना यहां पे I4 एंड I5 का मेंशन नहीं है, इतना मुझे बताओ ये समझ में आया, ठीक है। एक मैं और एक चीज देता हूं फिर आप लोग लिखोगे, सपोज यहां पे सब लोग देखो समझने के लिए, ये I1 लिखा मैंने, यहां पे I2 लिखा, और मैंने यहां पे ऐसे एक लूप बनाया, और वो लूप देखो कैसे बनाया, अब मैंने बोझा मैंने लूप कैसे बनाया बताओ मुझे यहां पे, और यहां पे लेट्स से आई थ्री किया मैंने, ठीक है, ये आई थ्री है, अब मुझे होता यहां पे लूप कैसे बनाया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मुझे होता यहां पे जो लाइन इंटीग्रल करूंगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या लिखूंगा बताओ मुझे मैं, म्यू नॉट इन टू क्या लिखूंगा, आई टू माइनस आई वन या आई वन माइनस आई टू, गाइस करंट जो जिस लूप में मैं जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूं वो खुद एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बनता है, करंट आई वन, जो करंट आउट आ रहा है, ठीक है, थंब ऐसा लगाओ ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो आई वन के वजह से बनेगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा आई वन माइनस आई टू, मुझे होता पहले इतना समझ में आया क्या, देखो क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले मुझे होता करंट प्लस माइनस कैसे साइन डालना है वो समझ में आया, प्लस माइनस साइन कैसे डालना है समझ में आया, ठीक है। एक और चीज देता हूं, और चीज देता हूं, देखो यहां पे सब लोग देखो अच्छे से, अब यहां पे मैं जो दे रहा हूं ध्यान से देखो, अब करंट I1 है, करंट I2 है, ऐसे जा रहा हूं, ठीक है गाइस, ऐसे जा रहा हूं, लेकिन अभी क्या किया मैंने, दो बार देखो मैं दो बार गया, दो बार ऐसे देखो यहां पे, मतलब ये लूप बनते वक्त मैंने कितने बार ट्रेवल किया, कितने बार ट्रेवल किया, एक पॉइंट से निकला घूम के आया और दो बार ट्रेवल किया, दो बार, तो मुझे बताओ ये इस लूप में जब मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देखो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए तो प्रॉब्लम ही होगा, इसकी वैल्यू में इंटीग्रल में आपको बोली रहा हूं, मुझे बताओ सिर्फ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज में, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज में, ठीक है मैं आई इनक्लोज लिखता हूं, यहां पर मुझे बताओ इसको, इन करंट को कितने बार लोगे अभी,
दो बार वो करंट आ चुके, तो दो बार लूंगा मैं, तो इसमें यहां पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट इनटू दो बार, अब किसके लिए प्लस किसके लिए माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट आई टू के लिए प्लस होगा, आई वन के लिए माइनस होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंटू आई टू माइनस आई वन, समझ में आ रहा है क्या, इतना मुझे बताओ, ये समझ में आया गाइस, अभी एमपीएस लॉ समझ में आया कैसे किया, एमपीएस लॉ समझ में आया, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन एमपीएस लॉ भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब आप समझ सकते हो नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन में अच्छा क्वेश्चन, और इवन मतलब एडवांस में भी बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते कभी कभी, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग आप लिखोगे बाद में, सब लोग यहां पे देखो, पहले जो दे रहा हूं वो यहां पे देख लो, मैंने सपोज एक करंट आई वन लिखा, कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुको, करंट में यहां पे आई वन लिख रहा हूं मैं, करंट यहां पे आई टू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पे मैं करंट आई थ्री लिख रहा हूं, और देखो मैं कैसे ट्रेवल कर रहा हूं, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, गया, ठीक है, एक मिनट, अब बताओ मुझे कैसे जा रहा हूं मैं, कैसे जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं मैं गाइस, मुझे बताओ, यहां पे करंट आई वन एंड करंट, कौन सा करंट लूप में इंक्लूड है, कौन सा करंट लूप में इंक्लूड है, अरे सिर्फ आई थ्री है, तो इंटीग्रल, अब मुझे बताओ करंट आई थ्री कहां पे, करंट आई थ्री कहां पे, पेज के कहां पे, बाहर है, और उसी डायरेक्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू क्या आएगा, आई थ्री आएगा, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस, हाँ, और कभी कभी क्या होगा पता है, कुछ लूप में ऐसे बनूंगा जिसमें आई वन आई टू डबल लूप में आएगा, आई थ्री सिंगल लूप में आएगा, तो टू टाइम्स आई वन एंड आई टू करने का, आई थ्री को सिर्फ सिंगल टाइम करने का, समझ में आ रहा है गाइस, या टू टाइम्स आई वन आई थ्री आएगा, आई टू को सिंगल लूप में आएगा, ऐसे भी लूप बना सकते हैं, वेरियस क्वेश्चन सिर्फ एमपीएस लॉ के ऊपर भी पूछते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन के ऊपर भी पूछते हैं, सम क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्टली इसके ऊपर भी पूछते हैं, सर कोई बोलेगा सर एक काम करो ना मुझे ना, ठीक है, आप एक सिंगल वायर के बेस, सिंगल इनफाइनाइट वायर, सो लेट्स एक सिंगल इनफाइनाइट वायर है, सिंगल इनफाइनाइट वायर, एक करंट आई आ रहा है, करंट आई कहां पे आ रहा है बताओ मुझे, डॉट मतलब पेज के बाहर, सो दिस करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज ऐसे करंट आ रहा है, और यहां पे लिखा है इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, अब मुझे तो इनफाइनाइट वायर है, याद करो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, अरे भाई इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है भाई, नहीं नहीं मुझे तो वो फॉर्मूला से कैसे निकालते, पहले एक तो पहले सर्कुलर होता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला के हिसाब से कैसे होता है, देखो ये फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला के हिसाब से थीटा वन थीटा टू दोनों क्या होता है, साइन 90 साइन 90, वन प्लस वन टू, तो आंसर कितना आता है, आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर आंसर आना चाहिए कि नहीं, फॉर इनफाइनाइट वायर याद है सबको, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर आना चाहिए, ठीक है, अब देखो ये तो अपने फॉर्मूला मतलब क्या अपना बायर्ड सॉर्ट से जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको यूज करके थीटा वन थीटा टू 90 डाल के मेरा हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, ठीक है, अब यहां पे सब लोग देखो, अब यहां पे देखो करंट आई आउट आ रहा है इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा गाइज, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं मैग्नेटिक फील्ड आउट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर है तो मेरे मुझे लूप भी कैसे बनानी पड़ेगी, इंटीग्रल को इजी करने के लिए लूप भी कैसे बनानी पड़ेगी बताओ, अरे भाई लूप भी सर्क्यूलर बनाएंगे, ये रेडियस आर की लूप है, अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैं इसी डायरेक्शन में घूम रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया और इसका रेडियस आर है, तो अब मुझे बताओ यहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और मेरा डीएल वेक्टर भी उसके साथ ही है कि नहीं है बताओ मुझे, अब सर्क्यूलर कर दिया तो मेरा अभी पहले तो मुझे बताओ अपने इंटीग्रल क्या होता है, लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, भाई यही तो है कि नहीं मेरा लॉ, एमपीएस लॉ क्या था यही था, अब मुझे बताओ ये इंटीग्रल यहां पे इजी है या डिफिकल्ट है,
अरे मैंने डायरेक्टली मेरा जो लाइन इंटीग्रल भी लूपी बनाया, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बन रहा है, मुझे ऑलरेडी पता था, तो इजी है तो मुझे बताओ इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या आंसर कितना आएगा, इसके पूरे का पूरे इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, बी इंटू कितना आएगा, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइन इंटीग्रल का आंसर कितना आएगा। अरे भाई इंटीग्रल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी इंटू द लेंथ ऑफ द लूप, व्हाट इज लेंथ ऑफ द लूप, इसमें लेंथ ऑफ द लूप इज कितना, अरे सर्कमफेरेंस 2πr, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी इंटू लेंथ ऑफ द सर्कल, यही तो डी डायरेक्टली लाइन इंटीग्रल है, तो बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, भाई आई इनक्लोज आई ही है, आई इनक्लोज आई है, बी इधर ही रखो, आंसर देखो क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई 2πr, आया कि नहीं आया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर वायर, मतलब ड्यू टू वायर इनफाइनाइट वायर, यही तो फॉर्मूला है कि नहीं अपना। भाई यही तो है ना फॉर्मूला, याद करो थोड़ा सा, म्यू नॉट आई बाई 2πr फॉर इनफाइनाइट वायर, यही तो फॉर्मूला आता है, किससे डिराइव किया अपन ने ये फॉर्मूला, किससे डिराइव किया फॉर्मूला, किससे डिराइव किया, एनपीएस लॉ से। सबको समझ में आया या नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। केस टू थोड़ा सा अलग है, तुमने देखा होगा अपन जो वायर लेते हैं वो करंट कैरिंग जो वायर होती है, करंट जो आई वायर होता है, आई करंट जो है ये एकदम थीन वायर है, ये जो वायर मैंने अभी लिया है वो एकदम थीन वायर है कि नहीं है, बहुत ही थीन, राइट। मुझे बताओ आपने अभी ऐसा कोई देखा केबल टाइप, केबल में देखोगे ना वायर थीक होता है और बहुत सारे करंट होते हैं, मतलब बहुत ऐसा बोले पूरा करंट पूरे वो थीक वायर से जाता है। सो इफ द वायर इज थीक, ठीक है, इस तरीके से सब लोग यहां पर देखो, इफ द वायर इज थीक ऐसा, ये एक खुद ये वायर है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा वायर है, मतलब और समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा वायर रेडियस आर का वायर है, मतलब कैपिटल आर का वायर है, और ये पूरा थिक, और समझ जाओ एक करंट मतलब बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये सब ऐसा बाहर आ रहा है, समझ लो, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा करंट है बाहर आ रहा है, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो आई नॉट है, करंट इज आई नॉट, बट करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। तो अब मुझे बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है दो जगह पे, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब सर्क्यूलर केबल है मतलब सर्क्यूलर वायर है बट इनफाइनाइट है, ध्यान में रखना है दिस इज इनफाइनाइट वायर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट वायर इनफाइनाइट केबल है बेसिकली, इट इज नॉट वायर केबल है, ठीक है, एंड करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो इसलिए मैंने डॉट लिखा है, डॉट मतलब क्या, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, इतना समझ में आ रहा है तुमको, केबल नहीं, केबल मतलब ऐसा थिक केबल है यार, थिक केबल, जैसे कि ये पेन है, ये केबल है ना, ये देखे यहां पे, हाँ केबल का टॉप व्यू बना है, मतलब ये पूरा केबल ऐसा रखा हुआ है, मतलब तुझे तुमको दिखेगा तो केबल, मतलब तुमको चाहिए तो केबल ऐसा भी दिखा सकते हो, मैं इस तरह ये वाला व्यू देख रहा हूं, समझे क्या, ये रेडियस आ रहा है पूरा केबल, और जो करंट है वो ऐसे लेट्स से इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, और टोटल करंट की वैल्यू कितनी, आई नॉट, समझे क्या, तो ये साइड व्यू है, हाँ बाहर आने वाला करंट है, लेकिन टोटल करंट कितना, आई नॉट, मतलब वो छोटा छोटा करंट तू गिनेगा तो वो अलग होगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे होता टोटल करंट आई नॉट है जो बाहर आ रहा है, ऐसे इनफाइनाइट केबल है, मुझे होता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहां पे, ठीक है, एक ये पॉइंट पे पॉइंट वन पे, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पॉइंट पे पॉइंट टू पे, मतलब एक बार r ग्रेटर देन r और एक लेस देन r, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने पॉइंट वन या पॉइंट टू, टू पे इजी होगा भाई, टू पे इजी होगा, क्यों टू पे इजी होगा, देखो जब मैं अभी लिखता हूं, ठीक है, पहले मैं इसका ही एक पार्ट लेता हूं, ए पार्ट, वेन r इज ग्रेटर देन r, तो क्या करेंगे वेन r इज ग्रेटर देन r, यहां पे मेरा जो लाइन इंटीग्रल बन गया ऐसे बन गया कि नहीं बन गया बताओ मुझे, समझ में आ रहा है क्या, हा? और इसमें मुझे बताओ जब मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो मुझे तो पूरा आई इनक्लोज में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, अरे पूरा का पूरा आई नॉट ही उसके अंदर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा आंसर, बी इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू क्या,
टू पाई आर बी इंटू टू पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज. आई इनक्लोज की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट होगी. अब तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? और डायरेक्टली आंसर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइड बाई टू पाई आर. अरे एकदम सिंपल था, यहां पे तो कुछ था ही नहीं. तुम बोलोगे कुछ नहीं था, तो सिंपल हो गया. ठीक है, देखो अच्छे इसमें आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जेई मेन के क्वेश्चन नीट में आते हैं अच्छे लेवल पे. ठीक है, इस साल शायद से नहीं आएंगे, बट मतलब जनरली तो आते थे, लेकिन अपन प्रिपेयर करके तो चलते हैं, क्योंकि प्रिपेयर करने के लिए क्या है, प्रिपेयर करने के लिए अच्छे लेवल का प्रिपेयर करना है. ठीक है, अब मैं सेकंड लिखता हूं, व्हेन आर इज लेस देन आर और इक्वल टू आर, ऐसा पकड़ते हैं. ठीक है, तो अब मुझे बताओ जब अंदर होगा तो मुझे बताओ अंदर के लिए क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज चेंज होगी गाइज? हाँ, करंट चेंज होगा, आई इनक्लोज चेंज होगा. तो यहां पे देखो ये मेरा ये वाला लूप बन गया. ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज माय लूप. तो मुझे तो इसके अंदर जो करंट आया, देखो यहां पे मैं करंट आया, वो करंट इतना ही आया कि नहीं? ये जो मैंने करंट लिखा यही तो मेरा आई इनक्लोज है कि नहीं है, बताओ मुझे. हाँ, करंट डेंसिटी टाइप का कुछ करना पड़ेगा ना. मैं तो क्या मैं ऐसा लिख दूं गाइज, मैं ऐसा लिख दूं गाइज, मैं ऐसे लिख दूं कि टोटल करंट आई नॉट कितने एरिया के ऊपर था, कितने एरिया के ऊपर था टोटल, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर करंट टोटल आई नॉट था? पाई आर स्क्वायर, बराबर कि नहीं? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये जो मैंने आई इनक्लोज करंट था, ये मेरा आई इनक्लोज करंट कितने एरिया के ऊपर था? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है क्या तुमको गाइज? इतना समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ इसमें आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आई नॉट इंटू, गाइज ध्यान में रखना ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, थोड़े से अच्छे लेवल का बता रहा हूं मैं. ठीक है, इसको सिर्फ सुन लेना, ठीक है, बाद में दिमाग में डाल देना. ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ मुझे? पाई पाई कैंसिल, तो करंट डेंसिटी आ जाएगी. समझ में आ रहा है? कुछ लोग गाइज मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको अभी भी छोड़ा हुआ है. आपको याद है मैंने बोला था करंट डेंसिटी एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी वाला पार्ट, राइट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी वाला पार्ट जो मैंने एकदम छोटा था छोड़ा था. ठीक है, वो पार्ट में एक टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं जे. जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया. व्हाट इज करंट डेंसिटी? जे को क्या लिखते अपन? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे वो करंट पास हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे जैसे ये जो टर्म है ना, मतलब कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं गाइस. ठीक है, ये जो करंट डेंसिटी वाला टर्म है आई इनक्लोज्ड, क्या आ जाएगा? आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर. ठीक है, आई नॉट बाय पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर. ये ऐसा था ना, ये जो आई नॉट डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इसको क्या बोलेंगे हम? ये करंट डेंसिटी है, समझ रहे? इसको जे बोल सकते, करंट डेंसिटी भी बोल सकते, लेकिन ठीक है अभी के लिए मैं इतना ही लिखता हूं. मेरे को मतलब मुझे इसका कुछ लेना देना नहीं है. अब ये तो मैंने जो कैलकुलेशन किया ये अलग कैलकुलेशन था. ठीक है, अब मुझे बताओ मेरा लॉ लगाओ, लॉ लगाओ अपना. चलो, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड. ठीक है, ये तो एकदम सिंपल था. क्या था? बी इंटू क्या है? सर्क्यूलर. मैग्नेटिक फील्ड तो सर्क्यूलर ही बनने वाला है क्योंकि केबल है. ठीक है, तो बी इंटू क्या बनेगा? यहां पे टू पाई आर बनेगा, बराबर. अब म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज की जगह क्या आएगा बताओ? आई इनक्लोज की जगह क्या आएगा यहां पे? आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर. समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने यहां पे आई इनक्लोज निकाला वो यहां पे डालना पड़ेगा. पाई पाई कैंसिल, देखो अच्छा चीज बना. आंसर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पाई पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या है? म्यू नॉट इंटू आई नॉट, आर आर कैंसिल, टू पाई यहां पे चला गया. ठीक है, यहां पे आर बचा डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर. ये समझ में आया तुमको? ये चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब काम में आएगा. इवन आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन तभी भी सब लोग को लिखना पड़ेगा, सब लोग को लिखना पड़ेगा. इसके अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं फॉर एडवांस वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, फिर उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे. बताओ मुझे पहले, इतना समझ में आया? जितने भी जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन. ठीक है,
करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। तो मुझे तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज करंट निकालने का तरीका? आइदर करंट डेंसिटी इंटू एरिया होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, करंट डेंसिटी वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। बराबर गाइस, ये समझ में आ रहा है क्या? इफ करंट डेंसिटी इज वेरिएबल तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक है। अब ये फेनोम इसको यूज करके आपको एक चीज करनी है, जी एडवांस के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा आपका सॉल्व। सेम मैंने आपको बता भी दिया यहां पे क्या यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। ये केबल है, रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है, और यहां पे ये लेट्स से मतलब ये केबल, ये पूरा का पूरा केबल है, मतलब केबल है ऐसे, और जो करंट है कमिंग आउट, ठीक है, तो यहां पे जो करंट है इट इज कमिंग आउट डॉट, और यहां पे जो करंट डेंसिटी दिया है दैट वेरीज विथ आर, स्मॉल आर। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने लिखा है जे नॉट इंटू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी इट वेरीज विथ आर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा ऐसा लिख देते, चाहिए तो आपको चाहिए तो ऐसा लिख देंगे अपन, करंट डेंसिटी वेरीज विथ आर एज ए प्लस बी आर स्क्वायर, where a and b are constant, a and b are constant, so this is the current density which varies with r, ठीक है। तो बोला है कोई भी मतलब magnetic field inside and outside बोला है, ठीक है, तो यहां पर पूछा है find the magnetic field inside wire and outside wire, ठीक है। अब तो आप directly कर सकते हो, ठीक है, तो magnetic field पूछा हो, यह आप लोग को निकाल के लाना है, कुछ नहीं, एकदम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, ठीक है, बस आई इनक्लोज निकालना होता है और कुछ नहीं निकालना होता, और क्या है? करंट आई नॉट नहीं है ना, करंट डेंसिटी दिया है यार, करंट डेंसिटी दिया इन टर्म्स ऑफ ए बी, तो करंट निकालो आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए भी चाहिए, आर लेस देन आर के लिए भी चाहिए, ठीक है, मतलब डेंसिटी करियर वेरिएबल होगा तो इस तरीके से आई इनक्लोज निकालना होता है, ध्यान में रखना, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट आई, करंट आई। चलो इसको लिख के रखो, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग सॉल्व करोगे, ये सबके लिए गाइस, केस थ्री सबके लिए। सब ऐसा हॉलो होगा तो हॉलो, दिस माय हॉलो वायर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो केबल, मतलब क्या, व्हाट इज हॉलो केबल, मतलब एक रेडियस आर की केबल है, करंट सिर्फ इस सरफेस पे और करंट आई नॉट सिर्फ इधर जा रहा है, तो मुझे बताओ अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितना होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और बाहर कितना होगा, बताओ। अंदर अंदर तो कोई आई इनक्लोज ही नहीं है, देयर इज नो आई इनक्लोज, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, जीरो, सो दिस इज फॉर आर, ठीक है, लेस देन आर, मुझे तो आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा, सिंपल ये वाला पॉइंट, पॉइंट पी वन और यहां पे पॉइंट पी टू, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टू क्या होगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू पाई आर आएगा ना डायरेक्टली। समझ में आ रहा है क्या, सेम चीज राइट, तो आप निकाल सकते हो राइट, तो आप अलग 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 केसेस दिए रहेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं अलग अलग केसेस दिए रहेंगे, आप निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल अपना बोल रहा लगा के। अब सबके लिए गाइस, सबके लिए ये तो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखा दिए, अब हॉलो, हॉलो में भी अलग अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे, हॉलो मतलब इसका इनर रेडियस आर वन आउटर रेडियस आर टू ऐसा वाला हॉलो भी आ सकता है, सेम चीज, सिर्फ आपको आई इनक्लोज निकालना है, बाकी कुछ नहीं, मतलब गॉस लॉ की तरह ही चार्ज इनक्लोज कैसे वहां से निकालते थे, यहाँ पे करंट इनक्लोज निकालना है, और करंट इनक्लोज कैसे निकालते, करंट डेंसिटी से, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान में रखना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको गाइस, इतना सबको क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा अपर लेवल की बातें बता रहा था मैं, ठीक है, बाकी सब लोग जो भी बाकी सब लोग अपने सीईटी वाले, नीट वाले एंड जेई मेन के लोअर लेवल वाले, सब लोग को ध्यान में रखना, सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में रखना है, और ये पहला वाला केस, फर्स्ट केस, केस वन, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर कैसे निकलता है, ये आपको समझ में आया, आपका काम हो गया।